हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बोधी होटल टाइप बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, 1 kg आलू छिलकर धो लिए हैं, 200 ग्राम खट्टी दही, 100 ग्राम खोया, 100 ग्राम देसी घी, 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। 1/2 kg प्याज को भी स्लाइस में काट लिया है मैंने। चावल के लिए 1 kg कोहिनूर रॉयल फॉर बिरयानी लिया है, और मसाले में सनराइज बिरयानी मसाला, खड़ा बिरयानी मसाला, इसके साथ सैफ्रन, दूध, गरम मसाला, रोज वाटर, केवड़ा वाटर भी लिया है। अब दूध को गर्म कर लेंगे, उसमें सैफ्रन के कुछ धागे, 50 ग्राम खोया डालकर मिलाकर अलग रख देंगे, और चावल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अब कढ़ाई में 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल गरम करके उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची डालकर प्याज डाल देंगे और प्याज को लाल होने तक भून लेंगे। प्याज भून जाने के बाद उसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उबल जाने पर इसमें आलू डाल देंगे और उसे पूरी तरह से ढककर पका लेंगे। इसमें आपको 1/2 घंटा तक समय लग सकता है, आलूओं को पूरा पका लेना है। अब दूसरी तरफ मटन में थोड़ा सा पानी, जिसमें कि मटन पूरा डूब जाए, डालकर एक बर्तन में चढ़ा देंगे। उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालकर ढक के इसको भी पूरा पका लेंगे। आलू हमारे पक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी ग्रेवी में मटन डाल देंगे, उसमें सनराइज का जो बिरयानी मसाला है वो डाल देंगे, और मटन को 90% तक पकाना है, और खड़ा बिरयानी मसाला जो है उसको भी पाउडर करके डाल देंगे। अब चावल पकाने के लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है, उसमें लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची डाल लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालना है और चावल डाल देना है। चावल को भी 90% ही पकाना है। चावल और मटन सब तैयार हो गए हैं, अब इनकी लेयरिंग करेंगे हम। सबसे पहले नीचे मैंने मटन, थोड़ा सा ग्रेवी और आलू डाल दिया है, उसके ऊपर से खोया डाल रही हूँ।
अब इसके बाद चावल का एक लेयर डालेंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा ग्रेवी भी डालेंगे। अब इसमें घी डाल देंगे। अब रोज वाटर एक बड़ा चम्मच डालना है। एक बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर भी डाल देंगे। उसके बाद चावल का एक और लेयर लगा देंगे। फिर बाद में जो हम सैफ्रन मिल्क हमने तैयार किया था उसमें गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डालकर मिलाकर चावल के ऊपर छिड़क देंगे। फिर हांडी में गुथा हुआ आटा लेकर चारों बगल से लगा लेंगे। उसके बाद उसको अच्छे से ढक कर कम आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में गर्म पानी कर लेंगे। उस कढ़ाई में हांडी को रख के उसको आधा घंटा तक दम देना है। ये लीजिए बैरकपुर की बौद्धी होटल टाइप गर्मा गर्म बिरयानी तैयार। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये भी देख लीजिए हमारे आलू कितने अच्छे से पके हैं, कितना सॉफ्ट है। मटन भी क्या खूब पका है। बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बाय फ्रेंड्स।